गाइस, आज हम राहुल भाई के साथ जा रहे हैं। ये हमारे रामेश्वर जी हैं, जो घर वालों को ये बोल रहे हैं कि बंद तालाब में पहुंच चुके हैं। और इससे क्या कहना चाहती हो? ये जो चावलों में नमक डाला है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आपकी साइंस में इसको क्या कहते हैं? क्यों डाला है? काहे डाला है? काहे नहीं बताई वो। सो आज हम जा रहे हैं इनका रिश्ता करवाने। तो ये जहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं, उनका खानदानी भीख मांगने का बिजनेस है और इन भाई साहब ने नया नया शुरू किया है, तो चुल मची है शादी करने की। तो बस जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नए नए भीख मांगे जो है ना, इनको उन्होंने रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि पुराने जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस वाले होते हैं, लेकिन ये नए हैं। तो क्या कहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, इनको रिजेक्ट किया जाता है या नहीं। इस पर हमें, इस विषय पर हमें विचार करना होगा। तो बाकी हम थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे ड्राइवर साहब राहुल जी को, स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। और क्या बोलते हैं, तो अब हम यहाँ से आगे अपने टांगों की वजह से चल रहे हैं, जो कि हमें कुदरत की देन है, बाकी वरना हम नहीं चल पाते। और ये भाई साहब आज अपना कटोरा छोड़ के आए हैं, हेडफोन देख सकते हैं, नए भिखारियों ने मिली हुई भीख से हेडफोन खरीदा है। तो ये भी चलते नहीं है, लेकिन चलो दिखाने के लिए कि भैया हम लेके आए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नाला है, इस नाले में ये नहाते भी हैं रोज, इस नाले में। ये इनका पुश्तैनी नाला है जिसमें तकरीबन अपनी 7-8 पीढ़ियों से नहा रहे हैं। बाकी इनको ऐसे ऐसे खड्डों में भी नहाना पसंद है। तो ये देखो, इनकी शादी में जो इन जिसके ऊपर ये बैठ के जाएंगे वो ये है, खचरा है खचरा। बाकी इनको खचरे पर बिठा के हम लेके जाएंगे। अब यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है वो हमें नहीं पता। ये है, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हुए बहुत दूर आ चुके हैं। ये रही रेल की पटरी, अभी हमारी ट्रेन में है तकरीबन 26 मिनट। अगले 26 पक्का उधमपुर रेलवे स्टेशन आ गया। तो 26 मिनट के अंदर अंदर हमें टिकट भी कटवानी है, रेल के अंदर भी बैठना है और यहाँ से भागना है। देखो पों पों कर रही है ट्रेन। बाकी इन भाई साहब ने आज मांगने की पूरी जो प्रैक्टिस है वो कर ली है। नए नए हैं ये, लेकिन बैग लेके देख सकते हो, बड़ा वाला बैग है। बैग भी देख सकते हो कौन सा, भाई साहब किडनैप करके लाना इन्होंने, अगर नहीं दी उन्होंने। तो देखते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या होता है, इनको मिलता है रिश्ता या नहीं मिलता, वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल हम अभी चल रहे हैं, तो वहाँ पर पहुँच के ही पता लगेगा। बाकी हमारा बजट थोड़ा सा बढ़ चुका है वीडियोस बनाने के लिए, आप देख सकते हो ब्लूटूथ माइक, हम आप प्रोफेशनल हो रहे हैं। और एक मिनट उंगली आ गई आगे से, ये भाई साहब भी भीख मांगने में प्रोफेशनल है। तो अभी इनको अंकल का इंटरव्यू लेना था। तो ये अंकल कहते हैं कि इंटरव्यू ले रहा है कि बेइज्जती कर रहा है इनकी। तो भाई साहब हम सच बता रहे हैं, ये भाई साहब नया नया ब्लॉग है, आप देख सकते हो कि यहाँ से अभी देख सकते हो पुराने स्टाइल की तरह आंटी ने सर पे गड़वा उठा के रखा हुआ है। तो बाकी ये दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। और ये इनके ससुराल वालों का ट्रक है जो कि उनको भीख में मिला था। आया नहीं बंदा, कोई गल नहीं। तो ये ट्रेन जो है वो जम्मू के लिए, कहाँ के लिए रवाना हो चुकी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके आगे आके कुत्ता भी चल रहा है। तो अभी आप खड़े हैं अपने जो आपके मतलब ससुराल का, मिनी ससुराल कह सकते हो आप इसको, छोटा सा, उसके आसपास खड़े हो आप, अभी गेट में एंट्री करने वाले। तो कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी कम है, दिल थोड़ा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? हार्ट बीट थोड़ी तेज हो रही है। हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है आपकी, इसकी वजह क्या है? वजह आपको बता दिया आपने पहले ही। अच्छा, जो एक ही चीज से मैं हार जाता हूँ कि खानदानी बिजनेस जो था वो इसी रेलवे पे भीख मांगने का था। और अब ये रेलवे भी जो खुद भिखारी बन चुका है, तो अब इनको इनके खानदान में जो इनकम थी
इन मतलब उनके खानदान में वो बड़ी काम हो चुकी है। हमने टिकट रिजर्वेशन सेंटर में जाएंगे। भैया जम्मू की दो दिन है ना, 70 रुपये खुले हुए। ये क्या है, 50 है ना। कितने बजे की गाड़ी? तो गाइस ये मिल चुके हैं ससुराल जाने वाली टिकट, जो कि रामेश्वर जी तैयार हैं अपने ससुराल जाने के लिए। बाकी देखते हैं, स्पार्टन थी है? आईफोन भी देख सकते हो, भीख में मिला है इनको। तो आपका जो आपके ससुराल के गेट पे ग्रैंड वेलकम हुआ, मशीन लगा के आपको चेक किया गया, कैसा लगा आपको? चेक क्या करना था, है ही नहीं कुछ, लोहे के स्टील के वो बर्तन पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के बर्तन जो भीख में मिले हैं, बस वही अपने और क्या। तो इनको काफ़ी सारे बर्तन जो है वो भीख में मिले थे, तो वो पड़े हुए इनके बैग पे। तो यार गाड़ी अभी लगी क्यों नहीं है प्लेटफॉर्म पे? अच्छा वो जो आगे गई ना वही थी, पीछे कोई नहीं। जनरल आपने कहाँ जाना है? जम्मू। कौन सी गाड़ी में? ये है ना 5 मिनट कम 5। आगे जाओ, आगे। किधर आगे? जनरल आगे है, पीछे कोई जनरल नहीं। कितना कितनी आगे गई? अच्छा अच्छा। तो गाइज इनके ससुराल जाने वाली जो गाड़ी थी ना वो आगे निकल चुकी है, अब हमको भाग के जाना पड़ेगा। जल्दी करो भाई साहब, टाइम कम है। कैसा लगा आपको जो आपके ससुराल में जाने से पहले आपको भगाया जा रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, देखते हैं अब क्या आगे और क्या क्या दुर्घटनाएं घटती हैं हमारे साथ। ऐसा कुछ, उधम पर रेलवे का व्यू है लेकिन हमारी गाड़ी जो बहुत आगे जा चुकी है। दूसरी गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी है, ये भेजी है रामेश्वर जी के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इनको वेलकम करने के लिए भेजी हुई है ये गाड़ी, स्पेशल गाड़ी, बहुत लंबी है, आप देखते जाओ। रामेश्वर जी कैसा लग रहा है आपको आपके ससुराल वालों ने इतनी लंबी गाड़ी भेजी आपके लिए? अच्छा लग रहा है, लड़की भी मतलब भीख अच्छी मिलती है, मतलब भीख का जो काम है उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये देखा आप इनके लिए इतनी बड़ी गाड़ी। तो फिर नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर भी आने वाली, अब पता नहीं कौन सी आएगी। तो अभी क्या क्या कैसी फीलिंग आ रही है आपके अंदर? बहुत अच्छी है, बहुत एग्जॉस्टेड है। तो कुछ अपने सामान वगैरह के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम दुनिया लेते हैं, मतलब हमारा कोई ले जाए, हमारा नीचे पड़ा हुआ, तो ये भाई साहब दुनिया का चोर थे तो मतलब इनका ही चोर जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार होती है। बाकी इनके ससुराल वालों ने जो गाड़ी भेजी उसमें हम चढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे रिव्यू आगे क्या क्या हुआ हमारे साथ। सो गाइस इनके घर वालों ने जो गाड़ी भेजी आप देख सकते हो पीछे से आ रही है, अब हम इसी में जाएंगे रामेश्वर जी के ससुराल में। कुछ ऐसी गाड़ी थी दूसरी गाड़ी में, उन्होंने मना कर दिया कि उसमें नहीं जाना, बार बार धोखा दे रहे हैं। अब पता नहीं इसमें भी चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे हमें, लेकिन उम्मीद है कि हम इस गाड़ी में ज़रूर चढ़ेंगे। ससुराल वालों ने जो गाड़ी भेजी थी ना वो यहाँ पे बीच रास्ते में कहीं खड़ी हो गई है, तो बड़े ही निकम्मे निकले आपके ससुराल वाले जो ऐसी गाड़ी भेजी, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो गाइस इनके ससुराल में हम पहुँचने वाले हैं, ये व्यक्ति इनके ससुराल वालों ने ट्रेन भेजी थी लेकिन हमें खड़े खड़े आना पड़ा। तो इनके ससुराल वालों को हम क्या कहना चाहोगे आप? अगली बार गाड़ी भेजना, नहीं तो हम रिश्ता करने नहीं आएंगे। तो
इनके ससुर से और सास से और इनकी होने वाली बीवी से भी हम कहना चाहते हैं कि अगली बार इनके लिए गाड़ी भेजना, नहीं तो महाशय नाराज हो जाएंगे। नाम याद रखें, क्या नाम है आपका? रामेश्वर शर्मा है। ध्यान से इनका नाम याद रखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों। राम राम। कैसा लग रहा है अभी आपको स्पेशल गाड़ी मिली है? धन्यवाद विशाल जी, आपने मेट्रोल से उतना भीड़ भाड़ी साइड करके थोड़ी ई रिक्शा में बिठाया हमें, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ अभी, मेरा कैप्टन आउट हो गया अभी। ड्रीम वाला है, उनका ड्रीम जो अनकम्प्लीट रह गया।